हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत पुरी। मैं आज बताने वाला हूं क्लास 10th स्टैंडर्ड सैंपल पेपर का सॉल्यूशन। ओके, मैथ्स का है। देखते हैं क्लास 10 का नंबर 1 से देखते हैं। पहले हम लोग इसके इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। भाई, इंस्ट्रक्शन को ही समझ नहीं पाता है। टोटल 50 क्वेश्चन है। ओके, पहला सेक्शन, तीन जो है सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है। ओके, 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 16 क्वेश्चन। ओके, सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन है, फिर 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 16 16 कितना हो गया, 32, 32। और लास्ट में केस स्टडी का दो होगा, दो। ओके, 5 × 2 = 10। ओके, 5 सब पार्ट्स है, तो 5 × 2 = 10 में से चार चार सेलेक्ट करना है। ओके, तो कितना हो गया तुम्हारा, 32 और 8 40, यानी 50 में से 40 क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, 40 ऐसे बनाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक नंबर सॉल्यूशन से। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा आपका। द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर्स। ओके, एलसीएम और एचसीएफ दोनों बोल रहा है, तो लीस्ट कंपोजिट कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो ये होगा और लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। ओके, अगर हम लोग एचसीएफ देखेंगे, भाई एचसीएफ तो 2 होगा और एलसीएम होगा 4। क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एलसीएम एचसीएफ, यानी 4:2, यानी 2:1, यानी क्या आंसर हो गया तुम्हारा, बी। फिर दूसरा, द वैल्यू ऑफ के फोर इज द लाइन। ओके, इतना सर ये क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आया एग्जाम में। ओके, एमसीक्यू। फिर क्या बोल रहा है कि कोइंसाइड करना है। कोइंसाइड करने के लिए जानते हो a1 by a2। ओके, b1 by a2 इक्वल टू c1 by a2, b1 by a2 नहीं लिखते हैं, सब तो एक ही चीज़ है ना। ओके, सो टाइम को यूटिलाइज करो। k = 9, देखो कहाँ पे है जल्दी, हाँ ए। फिर उसके बाद थर्ड नंबर, ओके, 200 किलोमीटर ईस्ट जाता है, फिर उसके बाद 150 मीटर नॉर्थ जाता है, ठीक है भाई। तो इसका डिस्टेंस मतलब हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो 200 और 150 दिया हुआ है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे होगा, 200 स्क्वायर। ओके, 200 स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर होता है, ओके, 225 00, और 200 का स्क्वायर होता है 400 00, ठीक है। ओके, तो 625 होगा, यानी 250 मीटर, 250 मीटर बी। द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस और इतना इतना लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस। अच्छा, डायगोनल दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है भाई, 1/2 × d1 × d2। देखते चलो, 1/2 × d1 × d2। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, फिर क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड रोम्बस का क्या होता है, एक और एरिया। ओके, रोम्बस एक क्या है तुम्हारा, पैरेललोग्राम है, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू, ओके, बेस इंटू, देखो रोम्बस ये तुम्हारा क्या है, डायगोनल, ये टोटल 24, तो ये आधा कितना होगा, 12, यहाँ से यहाँ तक ओ ए से, और ओ बी कितना होगा, 16, 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ये निकल जाएगा, साइड निकल जाएगा। ओके, ये 20 निकल गया। ओके, सो रम एरिया पैरेललोग्राम बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो 20 × एल्टीट्यूड को मान लो एक्स, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ना, बेस इंटू एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड ऊपर से यहाँ तक यहाँ खींचे। ओके, अब देखो 2 से कितना और घटा, 12 बार में घटा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = ओके 32 = 96/5 है क्या कहीं पे, 96.5, हाँ डी नंबर 19.2 सेंटीमीटर। ओके, फिर 5 नंबर देखो, 2 coins are tossed, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इट एटमोस्ट 1 head। दो कॉइन को फेंके, तो दो कॉइन को फेंके तो क्या क्या आ सकता है भाई, देखो ध्यान से, हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड और टेल टेल, ये आ सकता है। तो बोल रहा है एटमोस्ट 1 head आना चाहिए कम से कम। ओके, 1 head आना चाहिए भाई, 1 head इसमें है, इसमें है, ठीक है। ओके, ये है ना, कम से कम, यानी 0 head भी चलेगा, 0 head नहीं, 0 head भी चलेगा। ओके, समझ में आ रहा है, 0 head और 1 tail, यानी कितना हो गया, 3/4, एनी बाय एनएस होता है, यानी कितना हो गया, 3/4, 3/4 कहाँ है, 3/4 ए नंबर। ओके, अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं, सुनो ध्यान से, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए बी सी बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। एल्टीट्यूड कितना दिया है, ए एम बाई पी एन, यानी ए एम स्क्वायर बाई पी एन स्क्वायर, इसके बराबर होता है। और एरिया ऑफ ए बी सी और डी ई आर, ठीक है, इसको स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 4:9, 4:9 ये है ए एम बाई पी एन का
होल स्क्वायर, स्क्वायर अध क्या आएगा 2:3, 2:3 कहाँ है, 2:3 डी। ओके सेवन नंबर देखते हैं, 2 sin² β - cos² β = 2 बीटा पूछ रहा है। ओके तो सर ये कैसे निकालेंगे, तो एक चीज देखते हैं, सबको एक में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 sin² β है तो 2 1 - cos² β लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, सो 2 - 3 cos² β बराबर 2 कट गया, cos² β 0, cos 0 किसमें होता है भाई 90 में, फिर से बताएं 2 - 2 cos² β - 3 हो गया, 2 कट गया, ओके और 90 डिग्री बी प्राइम फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। अच्छा ये तो टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का प्राइम कौन होता है ये बताओ, टर्मिनेटिंग का कौन होता है 2 और 5 होता है। ओके 2 और 5 कौन है सी। ओके द लाइन्स एक्स बराबर ए वाई बराबर बी, अच्छा लाइन्स एक्स बराबर ए ऐसे पैरेलल होगा, वाई बराबर बी ऐसे होगा, ये ए इंटरसेक्टिंग हुआ, इंटरसेक्टिंग कौन है ए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -5, 6 फ्रॉम द ओरिजिन, ओके क्या होगा ओरिजिन से 6² + 5² 6² कितना है 36 प्लस 45 √41 √41 कौन है भाई, और 6 और √61 होगा ना यार, √61 कौन है, √61 यूनिट डी, ठीक है आगे देखते चलेंगे 11 नंबर। ओके जल्दी जल्दी बनाएंगे, ऐसे ही दिमाग वहाँ भी चलाना है तुम लोग को, चलाना है a² / 23/5 तो ए भर जाएगा तो √23 हो जाएगा, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल मतलब क्या हो जाएगा बी। उसके बाद देखते चलो 12 नंबर बोल रहा है एलसीएम एक्स 8 इतना है एससीएफ निकालने के, एससीएफ भी दिया हुआ भाई, और एलसीएम इंटू एससीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इंटू अनदर नंबर, यानी क्या हो गया एक्स इंटू 18 इज इक्वल टू 36 इंटू 2, तो एक्स बराबर कितना हो गया 4, एक्स बराबर कितना हो गया 4, कौन नंबर हो गया सी। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी टेन ए बराबर √3 cos A cos C साइन ए साइन सी मांग रहा है, ठीक है भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, डायग्राम बना लेंगे एकदम बढ़िया से, राइट एंगल ट्रायंगल है, देख चलना किस पर राइट एंगल ट्रायंगल बी पर है, बी पर है, अच्छा टेन ए बराबर √3 तो ए बराबर कितना हो गया ये 90 हो गया, ए बराबर 60 है ना भाई, टेन कितना √3 होता है 60 का, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया 30। चल मांग क्या रहा है cos A cos C यानी cos 60 क्या मांग रहा है देखो cos A cos C मतलब cos 30 माइनस sin A sin C sin 60 sin C sin 30 cos 60 1/2 cos 30 √3/2 sin 60 √3/2 sin 30 1/2 भाई दोनों तो कट गया क्या गया 0। ओके एंगल का वैल्यू पुट करो तुरंत बनेगा, सो क्या हो गया इसका आंसर बी। फिर उसके 14 नंबर देखो बोल रहा है एंगल्स जो है एबीसी का रेशियो में 112, फिर उसके बाद ये बोल रहा है 112 तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी 2x + x + x 4x = 180 एक्स पावर कितना हो गया एक्स पावर 45, यानी 45 45 90 बनेगा, समझ में आ ही गया होगा, तो यानी इधर 90 रखो ये 45 रखो ये 45 रखो, ठीक है अच्छा मुंह से बनाते इसको सेक 45 ऐसे दिमाग लाओगे ना भाई। ओके तो यार तुम एग्जाम में सब बैठे रहेंगे तुम्हारा एक घंटा में एग्जाम खत्म हो जाएगा। ओके सेक 45 क्या होगा सेक 45 थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अरे साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, सेक 45 कितना हुआ √2 कॉस 45 ओके √2 कटा एक 10 45 1 cot 45 1 1 1 1 1 1 0। ओके जब नहीं समझ में आए रिपीट करो और देखो 15 नंबर रिवॉल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, डिस्टेंस बराबर क्या पढ़ाए थे n इंटू 2πr, मेरा वीडियो देख लो एरिया ऑफ सर्कल का सब समझ आ जाएगा, ठीक डिस्टेंस कितना 176 n के जगह n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2 × 22/7 और रेडियस भी दिया हुआ है रेडियस 0.7 भाई ये तो 10 उतर गया ये कट गया 22 से 8 बार में कटेगा 80 अच्छा इधर से कट रहा 2 × 4 = 8 4 × 10 = 40 है क्या सर हाँ डी देखते चलो 16 ABC such that AB दिया हुआ है BC दिया हुआ है CA दिया हुआ है और सिमिलर भी ट्रायंगल दिया हुआ है EF दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ DEF चल भाई ठीक है ट्रायंगल बना सकते हैं ABCDEF बना लिया ट्रायंगल
देखो जो क्वेश्चन नहीं बने ना भाई उसको छोड़ के दूसरा बनाओ, अभी इजी है तो बन रहा है सब, टाइम मत लगाओ। में ए बी सी डी ई एफ, ए बी थ्री, ए बी थ्री, बी सी दो, ए सी टू, ठीक है, ए सी 2.5, ए सी 2.5, ठीक है, और उसके बाद ई एफ फोर, ई एफ फोर, अरे टू टू जा फोर रहा, थ्री टू जा कितना हो जाएगा सिक्स, 2.5 टू जा फाइव, अरे प्रोपोर्शनल होता है ना। फिर से देखो टू टू जा फोर दुगना हमारे बढ़ रहा है, तो थ्री टू जा सिक्स अपने आया, 2.5 टू जा, अब सबको जोड़ देंगे, पेरीमीटर का मतलब सबका सम होता है, छः पाँच ग्यारह चार पंद्रह 15, भाई 15 किस में है, बी नंबर, आगे का नहीं लिखे देख लेना। ओके 70 नंबर देखते हैं, डी पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है। एक ट्रिक तुम लोग पढ़े नहीं होगे, थ्योरम थ्योरम में बहुत पढ़े होगे, ये थ्योरम होता है थ्योरम थ्योरम में, ये भी ए डी बाय ए बी इजिकल टू डी बाय बी सी, इसको याद कर लो समझ लो, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। ए डी बाय ए बी, ए डी कितना है थ्री, ए बी कितना है, अब देखो ए बी, तुम यहां देखो कि ध्यान से देखो, ए डी थ्री दिया हुआ है, बी डी फोर दिया हुआ है, तो ए बी कितना होगा, थ्री प्लस फोर सेवन, डी बाय बी सी, डी निकालना है एक्स बाय फोर्टीन, सेवन टू जा टू थ्री सिक्स, सिक्स कहाँ है सर, सिक्स कहाँ है, सिक्स बी नंबर। ओके 18, 18 नंबर का ट्रिक देखो, 4 10 बीटा 3 दिया हुआ है, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 बीटा बराबर क्या होगा, जो मेरे से पढ़ा होगा इसका ट्रिक जानता होगा अच्छे से, क्या पढ़ाए थे, 10 बीटा 3 बाय 4, सिर्फ इसी ट्रिक इसी क्वेश्चन के लिए वैलिड है, मतलब साइन बीटा को 3 मानेंगे, कॉस बीटा को क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रिक करो यूज करो, क्वेश्चन क्या है, 4 साइन बीटा माइनस 3 कॉस बीटा बाय 4 साइन बीटा प्लस 3 कॉस बीटा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, यही यूज करेंगे। साइन बीटा कितना 3, 4 3 जा 12 माइनस कॉस बीटा कितना 4, 3 4 जा 12, और आगे देखना ही नहीं, 12 माइनस 12 क्या आता है, 0 होता है भाई, 0 क्वेश्चन में है, 0 है 0 है, ए हो गया ऑप्शन, उतना देखना है, दिमाग लगाओ सब में। 19 नंबर, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज इतना, द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, सो ये पहले लिख दो माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, किसे भी मल्टीप्लाई करो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 10x पहला दिया, इसका मतलब जो है हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से ही कर लो, ओके 2 से कर लेते हैं, ये माइनस 2 से कर लो, माइनस 2 से क्यों किए, क्योंकि पॉजिटिव हो जाएगा, ओके माइनस 4, तो ये कितना हो गया 10x माइनस 14y प्लस 4 बराबर 0, ऐसा कहाँ दिया भाई, डी में। नेक्स्ट 20, द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, पूरा इंग्लिश अल्फाबेट है, तो इस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 26, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में रिपीट कौन सा वर्ड नहीं हुआ, मैथिक्स, एम ए टी एच ई आई सी एस, एम तो डबल बार हो गया, ओके कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना हो गया 8 बाय 26, यानी 4 बाय 13, 4 बाय 13 कौन है सर, ए नंबर। ओके अब आगे देखते हैं,